चलो माफ किया। क्या देखूंगी यार, दिमाग ना खाओ यार, तुम जी भी यार कर ये देखे ले। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, इट्स मी आरके, वेलकम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल वेल गाइस, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो भाई, वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो। अभी जी हमने 2 दिन हो गए हम लोग ना मैसेजेस देख रहे हैं, कुछ मैसेजेस तो हमें मैसेजेस आ रहे हैं व्यूज के, वो ये कह रहे हैं कि जी आप दोनों हस्बैंड वाइफ सेइंग यस करें। और यार ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे सेइंग यस बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे तो बंदा बाहर कहीं इधर उधर चला जाता है, सेइंग यस करा लेता है। बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे, जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि यहाँ की एक्टिविटीज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास मेड नहीं होते, यहाँ पे हमने सब कुछ खुद करना है। तो यहाँ की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है भाई, ये इंग्लैंड है, ये पाकिस्तान नहीं है, तो ऐसे ऐसे हमें ये मैसेजेस ना किया करो। चलो अब आपने कर दिए, व्यूअर्स हैं तो मैंने सोचा मिसी से, फिर हमने 2 दिन हो गए, मैंने कहा यार ये मैसेजेस कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि फिर हम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं सोचा था कि पहले मैं इनसे सेइंग यस करवाऊं, लेकिन ये लड़ रही थी कि जी ये मुझसे सेइंग यस करवाएं, तो अभी क्या करना है फिर? मैं पहले करवाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली लेडीज फर्स्ट, तो मैं सबसे पहले सेइंग यस कराऊंगी। और मैं आज मेरा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो फिर मैंने कहा लोगों के कमेंट से फायदा उठाएं, तो आज हम जी करवाएंगे इनसे सेइंग यस। ओके बेटा, पापा से सेइंग यस में देखते हैं, सेइंग यस में देखते हैं भाई इन्होंने क्या क्या करवाना है मुझसे। तो मैं तो क्योंकि आज इन्होंने मुझे जिम नहीं जाना दिया, इन्होंने कहा भाई जी आज मेरा दिन है, तो मैंने कहा भाई फिर देख लेते हैं फिर क्या करना है फिर। अब अच्छा सेइंग यस में भाई पहले तो मिसिस की बारी है, तो अब मिसिस साहब ने मुझे कराना है, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि क्या कराना है, तो मैंने कहा यार जो कराना है बस जल्दी से कराना है, क्योंकि मेरे से यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो आप बताएं जी सेइंग यस में आप मुझे क्या कराना चाहते हैं? मैं बहुत मजे मजे की चीजें कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ, जैसे शादी से पहले मेरी मम्मा उठती थी, नाश्ता बना के मुझे देती थी परियों की तरह ट्रे से जाके, समझ रहे हो, समझ रहा हूँ। तो मेरा दिल कर रहा है कि इतने टाइम के बाद अब मैं किसी के हाथ का नाश्ता करूँ, तो अब मैं सबसे पहले अभी इनसे बनवाऊंगी नाश्ता, जो इनको बहुत मुश्किल लगने वाला। आई नो, नहीं बस एक ही चीज बनानी है ना। नहीं क्यों जी नहीं, मैं आपसे कोई 5-6 चीजें करवाऊंगी। 5-6 चीजें? हाँ जी। ओ भाई 5-6 चीजें कराने का मुझे क्या फायदा होगा फिर? सेइंग यस का क्या फायदा, मैं पूरा फायदा उठाऊंगी इसका। नहीं तो फिर मेरी भी पारी जब आनी है सेइंग यस में, फिर देखना मैंने जो जो करवाना है वो करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ अगर आपने प्रॉपरली मेरे काम किए तो मैं आपके साथ सेइंग यस करूंगी, अदरवाइज कैंसिल। और यार गाइस ये कौन से तो आप लोगों ने मैसेज कर दिए हमें, यार ये इस तरह के काम ना कराया करो, ये इंग्लैंड है पाकिस्तान हो तो मैं कर दूँ भाई। अब यहाँ पे मसले इतने बच्चे हैं, ये देखो मिराल साहब है यहाँ पे, ये देखो मीरू साहब को संभालना है, ये किशू साहब को संभालना है यहाँ पे, तो अब फिर क्या करना है पहला जी? सबसे पहले नाश्ता, नाश्ते में जरा मुझे कुछ अच्छा सा कुछ बना के आपने देना है जो घर के अंदर। अच्छा घर के अंदर जो पड़ा होगा ना मेरे पास घर का फ्रेश वो जूस पड़े हुए हैं, मुझे वो आइस क्यूब भी है। नो, मेरी सुबह चाय के बगैर नहीं होती, चाय मैं पीऊंगी सबसे पहले तो चाय, वाटरमेलन नाश्ते में बड़ा अच्छा होता, वाटरमेलन का यार तुम तो लड़ना ही शुरू हो गए हो भाई। सुबह सुबह एक्सरसाइज करा दी मेरे मुंह की, जो मैं कुकिंग जो मैंने खाना आप बस यस यस करो। चलो ठीक है गाइस अब करना पड़ेगा, लेकिन जब मेरी बारी आएगी फिर मैं देखूंगा कि ये कैसे नहीं करेंगी। तो चलें ये करते हैं कि इनका नाश्ता, नाश्ते में क्या करना है भाई? मुझे एग चाहिए, टोस्ट चाहिए एंड चाय। एग चाहिए, टोस्ट चाहिए, चाय। आप यही बना ले, बहुत बढ़िया। नहीं एग कौन से खाने हैं जी? एग तो क्या मतलब जो मैं खाती हूं ट्राई करनी है मुझे। चलो मैं ट्राई करता हूँ, जैसे मुझे बने वो खाने पड़ेंगे। यस बस जल्दी ना तोड़ना प्लीज। जी देखते हैं कि अभी तक क्या कर लिया, अभी तक कहाँ तक तैयारियां पहुंची हैं। ओए ओए रजिया रो रही हो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। ओ भाई ये जो ओनियन है ये एकदम
इतना ये यकीन मानो कि वो आंखों में से इसने तो आंसू निकलवा दिए यार इतना। वाह देखे मेरे हस्बैंड ने कितना फाइन ऑनियन चॉप किया, वाह रजी वाह। अब बाकी काम भी ऐसे ही करना, ये टीयर भी आंसू भी इतने भाई निकल जा रहे हैं साथ साथ। अब पता चला, अब पता चला कि कितना किचन मैंने में? बस ये एक दो ही करने हैं, मैंने कुछ नहीं और कुछ करना भाई। अब भी वो तो बाद में देखा जाएगा, फिर मेरे से कौन करवाएगा फिर? ये इमोशनल ब्लैकमेल ना मुझे करो, जैसा अंडा बनेगा वैसा खाना पड़ेगा। हाँ मैं खा लूंगी, अब बनाओ तो सही। मजा आ रहा है? मजा क्या आ रहा है भाई, बना रहा हूँ चुप करके, मुझे जरा तंग नहीं करना बच्चा। ये आप से इंगेज कर रहे हो कि मुझे रोब दिखा रहे हैं? अभी वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक मैंने नाश्ता खाया तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरी आपको मजा आ रहा है? मम्मा पापा से काम करा रही है, आप भी क्यों मजा आ रहा है ना? आप भी पापा से सारे काम कराना, ओके? आप भी कराओगे ना, है ना? अपने पापा से सारे काम कराएंगे, अभी देखना और क्या क्या कराती है, अभी देखिए मम्मा और क्या क्या कराती है, ओके ओके। मेरे सुगर हस्बैंड साथ साथ सारा कुछ वॉश भी कर रहे हैं। ओ भाई साथ साथ करना चाहिए ना, क्योंकि यार ये पाकिस्तान का घर नहीं ना, इतने के बड़े जो किचन होते हैं ये, यहाँ पे इतने किचन होते हैं कि यहाँ वॉश करके साथ में भाई रख दिया करेंगे। शाबाश। सो ये बनने लगी है हमारी चाय शाय। यार ये औरतों के काम, लेडीज काम, तुम मुझसे क्या करवाई जा रही हो भाई? मेरी अम्मी ने देख लिया ना उन्होंने। अच्छी बात है, अम्मी कहेंगी मेरे देखे ना सारे काम आने चाहिए। पाकिस्तान में कहते होंगे कि लाइट चली गई, यहाँ पे हमारा ये जो किशू है ना, ये जो किशू ये लाइट्स को ऑन ही नहीं रहने देता। वही अभी इन्होंने पहला टास्क ही मुझे ऐसा दे दिया, यकीन माने मैंने इतने साल हो गए मैंने नहीं ऐसी कोई ऐसे ब्रेकफास्ट छोड़ के, मैंने कोई नहीं, पहले जब मैं अकेला यहाँ पे रहता था मैं बना बनू लेता था, लेकिन अभी इस तरह की इंग्लिश नहीं मेरे से बनते, सिंपल ही बन जाए तो बड़ी बात है। ये माशाल्लाह मैंने देखे जी इंग्लिश बनाया, ये चाय अभी रखी है, ये एग्स बनाए हैं, अभी इसमें मैं ऑलिव डालूंगा क्योंकि मेरी मिसेज ऐसे बनाती थी, वो कहती थी मेरे जैसा नाश्ता बनाओ, तुम्हारे जैसा भाई मैं कहाँ से बना लूँ, लेकिन मैंने जैसा भी बनाया है इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। अभी जब रेडी हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं भाई, ये देख लो ये चेक करो ये चेक। अभी हमारे एग शाही रेडी हो गए हैं, चाय शाही रेडी हो गई, अभी हमारे ब्रेड शेड हम उसको कर रहे हैं, ये देखें जी एग माशाल्लाह चेक करें, ओहो ज़बरदस्त, ये इटालियन साइड का ये भाई एग है, चेक करें जी इटालियन स्टाइल का। अभी एग शेक हो जाए ज़रा, ये ब्रेड शेड थोड़ी हो जाए, अभी मेहनत हो रही है मेहनत। तो भाई अब नाश्ता बना रहा हूँ, अब मैंने कहा था नाश्ता तो थोड़ा वेटी होना चाहिए भाई, मुझे जैसे आता मैंने बना दिया, अब इसमें नखरे ना करना। अच्छा यार अब तो बस बीपी लोगों से बोला भी नहीं जा रहा, बस अब मैं खाना चाहती हूँ, अब आप लोगों को हम अब फाइनल लुक दिखाते हैं, बस नियरली रेडी हो रहा है नाश्ता। हाँ जी हुआ कि नहीं? वही हो गया है कि अब आराम से हर चीज आनी है ना, इतनी मेरे को अफड़ा कफड़ी नहीं है बच्चा, भूख से बुरा हाल हो गया है। भूख से तो मैं क्या हूँ, यूसुफ मैं कोई शेफ हूँ मुझे ये बताओ। ये देखो चाय चाय भी बनाई है सारा कुछ है, शक्ल से चाय, ये देखें जी चेक करें जी, वाह रे वाह रे वाह, गरम गरम अंडे, और ये जी आप भी पूरी ब्रेड जो आपने खानी है बस करें जी, खुद भी खानी है आप तो जरा आज पहली दफा मेहनत करके खाओगे ना तो देखना जायका अच्छा लगेगा। और करें जी आ जाए अब,
नाश्ता करें, आजे आजे, हमारा सबसे बड़ा चीफ गेस्ट आ गया नाश्ता करने का। मीराल, आपने पापा के हैंडी वाला नाश्ता करना है, करना है। हाँ जी, खा के बताएं भाई कैसा लगा। सही लगा, सही, शाबाश बेटा, सही टेस्ट है, जैसा आप बनाते हो वैसे ही है। यस, देख लो, मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम मैंने बनाया, यकीन मानो कि मैंने, मैं सिर्फ आपको देखता था कि आप ये इटालियन साइड का जो स्टाइल का जो बनाते हो ना, मैंने कहा मैं भी बना के देखूं। बहुत नाइस बना, सही बना ना। चलो शुक्रिया जी, बहुत लगी हुई थी। चलो शुक्रिया, अब ये बस एक ही करना, खाने का मजा ही कुछ और, बस ये एक ही टास्क करना था ना मैंने, अब बस खत्म ना। क्या मतलब, पेट भरने दो, दिमाग चलने दो। क्यों, हां जी, अब क्या रह गया पीछे, आपके तो मजे। ये क्या बात हुई, तुमने बस यही कहा था यार, अब ऐसे तो ना करो ना। नहीं, अभी आप रेडी हो जाए, अभी नाश्ता तो करें पहले, जरा जान बनाए। अच्छा चलो भाई, नाश्ता कर लेते हैं अभी, और काम शाम करने के लिए जान बनाए चले आते हैं। जी ये देखें, ब्रेकफास्ट हमारा फिनिश हो गया। तो रजीब, आप इतने आराम से क्यों बैठ गए? क्या मतलब, अभी सेइंग यस में बस नाश्ता नहीं था, खाली और भी काम है। ये जो आपकी बेटी ने कंध मचाया ना, मैं नाश्ता बना के मैं थक गया, मुझे अब रेस्ट करने दो। कोई रेस्ट रुस्ट नहीं, क्या शराफत से खड़े हो जाओ ना नेक्स्ट काम के लिए यार। केड़ा नेक्स्ट काम है? नाश्ता बहुत अच्छा था वैसे, बाय द वे, रोज बनाना। ओके, रोज बनाना, अगर आप बीवी की खिदमत करोगे ना जन्नत में, माँ की भी खिदमत करना उनको भी, इससे जबरदस्त। अल्लाह की कसम, मम्मा मेरा ये व्लॉग देख रहे हो, मम्मा मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, आई लव यू मम्मा जी। मम्मा को ऐसी तो माँ ही कोई नहीं, मम्मा को भी स्पेशल सा नाश्ता बना के खिला कराना। नहीं नहीं जरूर, मम्मा को रोज बना के डाली में खिलाया करूंगा भाई। हाँ सही है ना। चलो भैया, पापा नेक्स्ट टास्क करने लगे, हम याली आप पापा के गोद से उतर जो। नेक्स्ट टास्क कौन सा? ये पापा ने जो बहाना गोद में पकड़ लिया ना, ये मैं भी ले लेती हूँ। नेक्स्ट टास्क कौन सा? नेक्स्ट अभी ये जो खाना हमने खाया ना, ये बर्तन जो, ये इतना गंद मचाया है ना मेरा किचन, मुझे काउंटर क्लीन चाहिए, सारा कुछ क्लीन चाहिए। ओ भाई, ये तो खुद कर ले। नो क्यों रजी, मजा आ रहा है? मजा आ रहे हैं यार, तुम इंग्लैंड में जाके तुम मुझसे ये काम करा रही थी, मैं शर्म नहीं आती? तो इंग्लैंड में रह के तो यही वाले काम करा रही हूँ। पाकिस्तान में अगर होती तो मैं आपको कहती कि शॉपिंग पे चले, मुझे ये दिलाएं, मुझे वो दिलाएं। वो पाकिस्तान जाके और तरह का यस चैलेंज होगा। यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे यही काम हो सकते हैं, और क्या कराऊ आपसे। चलो भाई हो गई, अब ठीक हो, अब खुश हो? नहीं अभी नहीं खुश। अब क्या है, अब ये बर्तन, ये गंद, ये मेरा काउंटर, इतने सारे मैंने, ये इतना क्लीन। हाँ जी, तो ये खुद धो लेना, एक दो धो दो तुम बस। नो नो नो, क्यों सारे सारे, जल्दी जल्दी यार, तुम वैसे बोल रजी, तुम वैसे बातें नहीं करनी, काम। लेकिन मेरी बारी तुम देखना, जब तुम्हारी बारी आनी ना फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। काम पे ध्यान दो, काम पे वो देखी जाएगी, काम पे ध्यान दो। मुझे बातें करने वाले ना काम करते वक्त अच्छे नहीं लगते लोग। चलो कर लेते हैं। ओके, गुड गुड बॉय। ओ भाई, आपने वो ऐड देखा है हमारे पाकिस्तान का, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ तोड़ते जाओ यार। वैसे गाइस पता है क्या, इतना गाना मचा रहे हो यार, क्योंकि फिर खुद कभी धोने पड़े ना। वो धोते जाओ धोते जाओ, मजा आ रहा है ना फिर। अब जब ये पता है क्या, मैं आपसे और भी बहुत कुछ करा सकती थी, लेकिन बैठ ही है। अभी ये बहुत कुछ नहीं है। नहीं क्या मतलब, अब आपको पता चल जाए एक औरत होना कितना मुश्किल काम है। मैं क्या औरत बन जाऊं, मैं साड़ी पहन लूं, नहीं मैं सूट पहन लूं, तुम समझती क्या हो। आप मुझे आइडिया दे जा रहे हो। मेरी अम्मा ने ये देखा ना व्लॉग, उन्होंने देखा तुम्हें क्या करना फिर। आप मुझे आइडिया दे जा रहे हो कि मैं आपसे और क्या क्या कराऊं, लेकिन मैंने नहीं ये कराना। ये आसान काम नहीं मैंने कराने, मैंने आपसे मेहनत करानी है। मेहनत मेहनत यार, आगे मैंने 15-16 साल से आप इतनी मेहनत की है, तुम वो मेहनत आपने मेरे सामने नहीं की ना, मैं अपने सामने तो कराऊंगी ना।
सही है भाई, सही है। सारे देख रहे हो ना भाई, ये सब लोग आपकी वजह से, जितने व्यूअर हैं सब आपकी वजह से हुआ है ये। आप लोगों ने कहा था कमेंट्स में कि ये, थैंक यू सो मच आप सबका, आप ऐसे ही कमेंट्स करते जाएं और मैं इनसे काम कराती जाऊं। और प्लीज हमारी मेहनत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। चले आप बर्तन भी धोएं बासानी। अच्छे से करना रवि। ओ भाई मैं जरा आप पे नजर रख रही हूँ, जैसे पाकिस्तानी औरतें। मैं का डाकू, मैं का चोरी कर रहा हूँ, नजर रख रही है मेरे पे। मैं काम करो, कुछ करी करा लो। आप डंडियां मारोगे ना? डंडियां क्या मारू, मैं डंडा भी मार दूंगा भाई। आप भी जैसे कोई जुगाड़ू जुगाड़ ना लगा रहे हो ना, जैसे पाकिस्तानी आवाम लगाती है जुगाड़। यार चुप कर दो बस। अच्छा मुझे ना गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे मेरी आज तबीयत नहीं ठीक। तुम यार तुमने मुझे सिर्फ फंसा लिया मुझे। बस छोड़ो यार, व्यूज 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 व्यूअर ने कह के बस ये हमारा। चलो कोई बात नहीं, रो ना बेटा, रो ना, कुछ नहीं होता। तुम्हारी बारी कल आनी है ना। चल ओके 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 ओके। रजी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार, जल्दी। मैं क्या मशीन हूँ, मुझे ये मतलब जल्दी नहीं हाथ चलाओ। तुमने कर बोर्ड खरीदा हुआ है यार? और भी काम करवाने हैं ना। और क्या काम करा, चुप कर यार। इतना तुमने वीआईपी नाश्ता बना दिया। तुम ध्यान से करना चाहिए, कोई चीज टूटनी नहीं चाहिए। सारा गुस्सा बर्तनों पे ना निकाल देना ना। चलो शाबाश, चलो अब दूसरा काम करते हैं ना। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रेस्ट रूम का टाइम नहीं है किसान बेटा। ज्यादा सा गंद मचाओ और मचाओ। Yes, very good, Kishu. Good job. Great job. Wow, great job. Kishan abhi papa karenge aur gand machao. Jao aur aur toys leke aao. Kya karenge? Kya papa karenge? Ab papa safai karenge. Ye pure ghar ki niche se leke upar tak ek ek मैं ऐसे करके ना ऐसे उंगली से टच करके देखूंगी कहीं मिट्टी तो नहीं। बड़ा मजा आ रहा है मुझे रजी, आप यकीन करें यार मेरे पे कोई रहम कर। मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है ये, मुझे बहुत मजा। उठ जाओ चलो यार, नाश्ता तुम्हारे लिए वीआईपी बना दिया, बर्तन धो दिए, सारा स्वैप तुम्हारा किचन रेडी कर दिया। अब तुम तो आप घर भी रेडी करो ना। घर कल ही रेडी है यार, अभी दो दिन पहले तो सफाई की थी। कोई बात नहीं, आज मैं दोबारा करूंगी। मुझे एक कतरा कहीं मिट्टी नहीं चाहिए। क्लीनिंग करो सारी, हूवर करो, हूवर हूवर करना। हाँ उसके बाद मैं बताऊंगी फिर क्या करना। ऊपर वाले रूम पे कर दूँ बस। नहीं ऊपर वाले रूम पे नहीं, सारी स्टेयर्स भी करनी है सारी, और यहाँ पे तो हूवर भी करना है, मॉप भी करना है इधर नीचे फ्लोर पे। हाँ कपड़े भी थोड़े वॉश करवा के अब वो ड्राई करवा रही हैं सारी। जुल्म की इंतहा कर दी तुमने। तुमने जुल्म की इंतहा कर दी। मजा आ रहा है मुझे तो, मजा आ रहा है, कहते जाओ किशान। पापा का मुझे देख के मजा आ रहा है। अभी जब मैंने कराना है ना, फिर तुम देखना जरा। देख लूंगी मैं, देख लेना क्या कर लोगे आप, कर लो जो कर सकते। और तुम देखना तो सही, करा लो अभी बेटा जो कुछ है। ओ भाई और तुम तो भाई आ जाओ। आप पता चले बच्चों के साथ कितना मुश्किल होता है काम करना। वो देखो किशान किशु साहब, कम आउट ऊपर, तेरी मम्मा जुलम कर रही है, तू भी कर दे साथ में पापा के ऊपर। किसान भी हंस रहा है, किसान कह रहा है मजा आ रहा है। यस यस पापा, बेचारे पापा को मजा आ रहा है। किसान साहब टॉयज फेंक के इधर, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही मुझे तो। हिल गए हैं पापा, हिल गए हैं। हाँ जी हो गया सारा काम। हाँ जी वही हो गया। चलें अब जी हम ऊपर आ गए हैं रजी साहब, तो हम करेंगे नेक्स्ट फोर्थ। नेक्स्ट क्या, क्या मतलब क्या है फोर्थ टास्क करना है अब आपने उसमें क्या रजी? टोटल ये ना समझना ये लास्ट है, अभी मैंने मेरा जितना दिल करेगा मैं कराऊं। ख्याल करो मैं करूंगी। चलो अभी तो नहीं ना, अभी तो चौथा है यार, अभी
ऐसा करो वो हूवर पकड़ो और सफाई शुरू कर दो पूरे घर की। क्यों सफाई अभी तो की थी। बस कर दो ये देखो ये देखो ये देखो ये किशु ने अभी गई इतनी सी कर देता हूँ। इतनी सी नहीं होगी, अगर होगी सफाई तो पूरे घर की होगी। क्या मतलब मुझे यस चैलेंज से पूरा फायदा उठाना है, थोड़ा फायदा नहीं उठाना। चलो ये रूम कर देता ना। नहीं नहीं पूरे घर की आपको सफाई करनी पड़ेगी। पूरे घर की किशु को भी बीच में कर दूं। यस मीन यस किशु पापा सफाई करने लगे बेटा। हूवर करना है पापा। हाँ जी पूरे घर को हूवर करना। तुम मेरी जान निकाल रही हो। अभी सोचे तुम्हारी बारी आनी है ना चेंजेस की। अभी मॉप मैंने सोचा था पर मॉप माफ कर देती हूँ आपको। मॉप रहने चलो माफ किया, ये हूवर ही कर दो। ये आसान काम नहीं है मुझे लगता है, पता है मुझे। अब ये लास्ट है। नहीं हाँ इसके बाद एक और कौन से है। रजी फाइव पूरे करने हैं। पांच ये देखो पांच कसम खाई है तुमने। पांच हाँ वो तो मैंने आपकी हालत देख के तर्स खा लिया, सोचे तो मैंने दस हुए थे। हालत देख के तुमने ये भी नहीं कराना था भाई। नहीं 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 तर्स नहीं खाना मैंने। हाँ। पांच तो कराने ही कराने हैं। तर्स नहीं खाना देखी जाएगी। देखी जाएगी जब आएगी ना देखी जाएगी। अब ये हूवर करना है। हाँ जी ऊपर ये सारे रूम करने हैं। सारे रूम सारे नीचे तक पूरी स्टेयर्स ये स्टेयर्स वो स्टेयर्स। भाई ये देख लो आपके लिए कसम से ये बस जो कमेंट्स किए हैं ना जो ये हमें कभी ये सेइंग यस करवाएं। बहुत अच्छा लगा मुझे आप और कमेंट्स करें। मैं आप जो जो कहेंगे वो कराऊंगी इनसे। चलो अभी ये करता हूँ ना मैं पहले। ओके रेडी हो जाओ रेडी स्टेडी। चलो शाबाश अच्छे से करें रजी। अच्छे से सारे शाबाश अच्छे से करना। अच्छे से किसी कोने में गंद नहीं नजर आना चाहिए। गुड जॉब गुड जॉब। ये आप लोगों को देखने में लगता होगा कि हूवर करना इजी है, हूवर करना इतना इजी नहीं है। इंसान की प्रॉपर इसके अंदर ना जान लगती है, इसकी पूरी एक्सरसाइज होती है। ये बड़ा मुश्किल ये बड़ा मुश्किल टास्क है, तभी तो मैं अपना काम इनसे करा रही हूँ। वरना लोगों को लगता होगा हूवर से क्लीनिंग करना बहुत इजी है। नो इट्स ऊपर से भी एरिया भी कमी है और नीचे वाला एरिया भी ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है चलो थैंक यू आपने मेरा काम आसान किया। अब मैं जरा लास्ट जरा मुश्किल था कुछ सोच लूं। अब ये नीचे ये भी करनी है जी। ये भी करनी है तो ये घर का हिस्सा नहीं है। कर ही रहे हो तो कर दो भाई सारी कर दो मेहरबानी मेहरबानी के। यस चैलेंज पूरा करो अपना। लाइट ऑन
माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, रजी साहब ने पूरा घर देखे चमका दिया, नीट एंड क्लीन अप। मजा आया? थके तो नहीं हो गए आप? अभी एक टास्क है जो अब मैंने तो वैसे 10 सोचे थे, चलो 5 ही करके। पागल हो तुम, 10 सोचे थे कि मैं मरवाना है मुझे, 10 सोचे थे क्या? काम बहुत है मेरे ज़हन में ना, मैंने सोचा आपसे ही करा लूं। देखिए पूरे जो 3 साल मैं शादी को मैंने तुमने सारे काम सोचे थे। तो ये यस चैलेंज तो मेरे इतने काम आया ना, ये तो रोज करना चाहिए। मैं तो कसम से हैरान हो गया हूं बेटा, मेरी मम्मा ने जब देखा ना ये व्लॉग, उन्होंने कहना बहुत अच्छी बात कहती है मम्मा ने, मुझे कहना तो ये काम आप सोचो मैं रोज करती हूँ, रोज। गाइस वेदर देखें कैसा हो, यकीन माने स्वेटिंग देखें कैसी हो रही है, यकीन माने मजा आया। एक्सरसाइज होगी, जिम हो गई आपकी आज, जिम से छुट्टी, आज घर में जिम। अच्छा अब जी लास्ट जो आपका है, अब जो लास्ट है ना वो लास्ट हम करवाएंगे मेरा अली की टिंड। ये क्या ये है छे, तो पागल हो मेरे से कहां से टिंड होगी, मैं कोई नाई हूं, मैं कोई जनपल नाई हूं भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। यहां पे सारे जनपल नाई बन जाते हैं, एक दफा करोगे तो बार बार आएगी। पहले जहां से करवाई थी ना मैं भाई, सुबह करवा दूंगा इसकी। तो ये अभी भी सुबह ही है रजी, मैंने कहा कल करा दूंगा इसकी भाई। नहीं आज ही होगी, आपको टास्क दिया है, यही तो कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सारे यहाँ पे खुद ही करते हैं, सारे खुद ही करते हैं, मैं आपको करके दिखा दूँ। लेकिन मेरा ये चैलेंज नहीं, आपका आप ना ही हो, आपको करना पड़ेगा। दिमाग में कहां से ये आप नो नहीं कह सकते, ये भी आप नो नहीं कह सकते यार, इसके बाल इतने हल्के हैं, ये देखो कितने हल्के हैं। टिन करेंगे ना इससे बाल अच्छे होंगे इसके, आपको ही करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। मैं ट्राई करता हूं इंशाल्लाह, मैं अगर कर सका तो मैं कर दूंगा, ठीक है जी। करनी है बस ये लास्ट टास्क, क्योंकि मुश्किल है, ये तंग करेगी। इसके बाद कोई ना वो शोशा ना छेड़ देना। नहीं करनी, नहीं मैं देखूंगी, चलो माफ किया। क्या देखूंगी यार, दिमाग ना खाओ यार, तुम जी भी यार कर लिया। ये देखे गाइस, देखे आप लोगों ने यस चैलेंज कहा था, तो अब ये बस इनकी बस हो गई है, तो तुमने काम करा लिए यार, जो जो चलो ये आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, अब आपने बस लास्ट टास्क करें, फिर मिलते हैं गाइस आपके साथ मिराली की टिंड करते हुए। Kishan, what happened? मैंने इनसे कंप्लीट करा लिए, इन्होंने बहुत ही अच्छे से किए हैं, बीच बीच में थक गए थे लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा लास्ट टास्क भी बहुत अच्छे से किया है, बड़ी अच्छी मिराल की हेड शेप हो गई और एक भी कट नहीं लगा, बहुत ही नाइस हो गई है। तो इसी तरह आप भाई मेरी इन्होंने बस करा लिया, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, अभी मेरी बारी आनी है सेंग यस की, जब मैंने इनसे सेंग यस करवाना ना फिर देखना। आज तो इन्होंने मेरी बस कराई है ना, और सबसे मुश्किल टास्क था मिराल साहब की जो हेड शेव करी थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं की, मुझे यही डर लग रहा था, क्योंकि यूके में जो है ना वो बार बार बड़ी मुश्किल से करते हैं छोटे बच्चे की, तो मैंने जिस तरह की वो मुझे पता है, तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे ब्लॉग में, आपने देखना कैसी हेड शेव हुई है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। आज का ब्लॉग यहाँ फिनिश करते हैं, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड, और प्लीज बेल के आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, करो अल्लाह हाफिज़।